हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको खबर दें कि सैलाब ने राजनपुर की तहसील रुझान के मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचा दी। नवाही इलाके डंडा कोट को सैलाब ने सबसे ज्यादा मुतासर किया। इस इलाके में मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज कमर सिराज, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी हमें इस वक्त राजनपुर की तहसील रुझान के इलाका डंडा कोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर हालिया बारिशों ने और सलेमान पर होने वाली बारिशों में की वजह से नदी नालों में तोगियानी आ जाने से हर तरफ तबाही मच गई है। और इस वक्त डंडा कोट का इलाका तो मुकम्मल तौर पर पानी की नजर हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखें कि ये कितने तामीरी जो मकान थे, ये सीमेंटेड जो मकान थे, इस वक्त पानी की नजर हो चुके हैं और इसकी आधी से ज्यादा दीवारें जो है पानी में आ चुकी है। और ये पानी, ये जो मकानात है पूरे के पूरे पानी की नजर हो चुके हैं और ये पानी में घिरे हुए हैं। और इस वक्त इन मकानात के जो दरवाजे हैं, इनकी खिड़कियां हैं और इनकी छत है, इस वक्त पानी की नजर हो चुकी है और ये पानी में गिर गए। यहाँ पर हजारों लोग सैलाब मुतासरीन हो चुके हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कोई रेस्क्यू नहीं करने आ रहा है। यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का सिर्फ ये कहना है कि जब आज हम मुश्किल की इस घड़ी में उनको आवाज दे रहे हैं तो कोई हमें रेस्क्यू करने नहीं आ रहा, कोई हमें राशन पहुंचाने नहीं आ रहा, कोई हमें टेंट नहीं देने आ रहा, हम खुले आसमान तले बेयार और मददगार अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी